please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. वित्त मंत्री जेटली के मुताबिक आर्थिक सुधारों के बाद भारत कारोबार के लिहाज से बेहतर हुआ। 130 नंबर रैंकिंग से हम लोग 30 स्थान आगे आकर 100 नंबर पर आए हैं। जेटली के मुताबिक आर्थिक सुधारों से भारत की रैंकिंग 130 से 100वें नंबर पर पहुंची। मोदी ने आसान कारोबार के पीछे रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को बताया। वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग पर कांग्रेस ने तंज कसा कि व्यापार ही नहीं तो सहूलियत कैसी। गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए राहुल गांधी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी 3 दिन में दक्षिण गुजरात के 5 जिलों का दौरा करेंगे। मुंबई में संजय निरुपम ने फेरी वालों के समर्थन पर मिली धमकियों को की शिकायत कमिश्नर से की। पीएम वीरभद्र ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सुखराम के परिवार को गद्दार बताया। ये इनको पार्टियां बदलने का शौक हो गया। उमा भारती ने हार्दिक पटेल को जुझारू बताते हुए पीएम मोदी का विरोध न करने की सलाह दी। हार्दिक पटेल को अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए सीएम योगी 4 दिन के दौरे पर मॉरिशस रवाना। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के मुताबिक बीजेपी ने झूठ बोलकर सत्ता पाई है। इतना जानना चाहते हैं कि आखिरकार बीजेपी के लोग जो झूठ बोलते हैं हमारे लोग भरोसा कैसे कर लेते हैं, बताओ। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ की सीट पर मेयर पद के लिए मीरा वर्धन को उम्मीदवार घोषित किया। राम रहीम के जेल जाने के बाद उसका बेटा जसमीत इंसा डेरे का काम संभालेगा। डेरे की बैठक में जसमीत इंसा ने धर्मगुरु बनने से इनकार कर दिया। कुमार विश्वास पर यौन शोषण मामले में FIR रद्द करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई। मुंबई में आज संजय निरुपम की अगुवाई में फेरीवाला सम्मान मोर्चा निकाला जाएगा। जयपुर के शाहपुरा में बिजली के ट्रांसफार्मर के फटने से 8 लोगों की मौत हो गई। शाहपुरा में शादी समारोह के दौरान ट्रांसफार्मर फटने से करीब 15 लोग झुलस गए। मुंबई के मलाड में पुलिस ने जेवरों की चोरी कर कुएं में छिपाने वाले 2 चोरों को पकड़ा। गुजरात के जामनगर में पुलिस ने 1 कार से 3 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया। आगरा में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश पकड़े गए जबकि 2 फरार हो गए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु से मारपीट करने का वीडियो सामने आया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। कोटला में होने वाला मुकाबला गेंदबाज आशीष नेहरा का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। फिरोज शाह कोटला में T20 क्रिकेट मैच के कारण आज देर रात तक दिल्ली मेट्रो चलेगी। और इसी बीच बड़ी खबर जनक दवे दे रहे हैं। गुजरात के जामनगर में 3 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक जामनगर के लालपुर से 10 किलो सोना बरामद किया गया। चुनाव आयोग की टीम ने ये सोना एक संदिग्ध कार से बरामद किया। कहा जा रहा है कि ये सोना अहमदाबाद के एक ज्वेलर का है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ट्रक से हुए आतंकी हमले में 8 लोगों की मौत हुई। न्यूयॉर्क आतंकी हमले में 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मैनहट्टन में आतंकी ने ट्रक को बाइक के लिए बने रास्ते पर चढ़ाकर लोगों को कुचल डाला। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी के ड्राइवर ने हथियार भी लहराए। न्यूयॉर्क हमले को अंजाम देने वाला उज्बेकिस्तान मूल का बताया जा रहा है। मौके पर ही न्यूयॉर्क पुलिस ने भागते आतंकी पर गोली चलाई और गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आतंकी के पास से 2 बंदूक भी बरामद की गई। आतंकी घटना अप मार्केट ट्रिबेका में हुई जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल के करीब है। NYPD is investigating this with our federal partners, with our state partners. There's going to be a very, very thorough investigation. Very important additional measures are being taken for people's safety. राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले पर ट्वीट कर कहा कि ISIS को अमेरिका में घुसने नहीं देंगे। न्यूयॉर्क में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया। फ्रेजाइल स्टेट्स इंडेक्स 2017 की रिपोर्ट में पाकिस्तान को 20 असफल देशों में रखा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान को पड़ोसी देशों में आतंकी भेजकर अस्थिरता नहीं फैलानी चाहिए।
काबुल में ग्रीन जोन में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। काबुल हमले के बाद सुषमा ने भारतीय राजदूत से बात की और बताया कि वहां सभी सुरक्षित हैं। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में एक लड़की घायल हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी गुट में शामिल होने जा रहे 5 लोगों को पकड़ा। जयपुर नगर निगम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने के निर्देश पर विवाद बढ़ गया। जयपुर के बाद अब भोपाल नगर निगम में भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर प्रस्ताव जल्द आएगा। सीएम नीतीश के साथ सेल्फी लेने वाले शराब बेचने के आरोपी राकेश सिंह ने खुद को निर्दोष बताया। यूपी के कानपुर में एसएससी में दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले लड़के को पुलिस ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भूमाफिया की धमकी से परेशान एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया जबकि 3 फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के इटावा में शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर खुदकुशी कर ली। यूपी के देवरिया रेलवे स्टेशन पर टीसी के टिकट मांगने पर पिटाई का वीडियो सामने आया। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का 3D ट्रेलर लॉन्च किया गया। और दीपक विश्व बड़ी खबर दे रहे हैं। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि 3 बदमाश भागने में कामयाब रहे। हालांकि फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। वहीं घायल अपराधी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये मुठभेड़ चेकिंग के दौरान हुई जब पुलिस ने रोकने पर बाइक सवार बदमाश गोली चलाकर भागने लगे। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और एक आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, लूटा हुआ मोबाइल और 4 कारतूस बरामद किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए जरूरी 111 हेलीकॉप्टर को खरीदने की मंजूरी दी। बीजेपी से निकाला गया। हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित किया है। इसलिए निलंबित किया है क्योंकि हम चोर को चोर बोले। ईडी कांड पर कांग्रेस ने भूपेश बघेल के घर हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। यूपी सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड में पलायन पर चिंता जताई। जब तक पहाड़ में स्वास्थ्य शिक्षा यातायात की व्यवस्था सही नहीं होगी तब तक लोग भागेंगे। मुगलों के वंशज प्रिंस याकूब के मुताबिक बाबरी मस्जिद पर उन्हें मुतवली बनाया जाए। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कार्टून बनाकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने 124 कछुओं के साथ एक तस्कर को पकड़ा। यूपी के बागपत में बीजेपी विधायक केपी मलिक पर हत्या की साजिश रचने का केस दर्ज। पुणे में 10 महीने पहले बदमाश की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नाबालिग लड़की के गैंगरेप का मामला सामने आया। ओडिशा के बरीपाड़ा में बाघ के खाल के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के शामली में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जानवरों को शिकार बनाने वाले अजगर को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। यूपी के शाहजहांपुर में व्यापारियों ने धान बेचने आए किसानों से मारपीट की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भूटान के राजा रानी के दिल्ली आने पर उनका स्वागत किया। जापानी मीडिया का दावा है कि उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर साइट के पास 200 लोग मारे गए। स्पेन की अदालत ने कैटालोनिया की आजादी के ऐलान को खारिज किया। पूर्वी लीविया के शहर डेना में हवाई हमलों में कई लोग घायल हो गए। दावा है कि उत्तर कोरिया के हैकर्स ने दक्षिण कोरिया के युद्धपोत से जुड़ी जानकारी चुरा ली। चीन ने ब्रह्मपुत्र को मोड़ने के लिए सुरंग बनाने से जुड़ी रिपोर्ट को खारिज किया। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का गेट नंबर 2 पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के नाम पर रखा गया। मुंबई में सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म इत्तफाक के प्रचार कार्यक्रम में करण जौहर के साथ शाहरुख खान भी शामिल हुए। करण जौहर ने शाहरुख में कंगना को जवाब दिया कि शाहरुख और सिद्धार्थ ने अपने दम पर फिल्म उद्योग में जगह बनाई। रजनीकांत और एमी जैक्सन की फिल्म 2.0 का एक और पोस्टर जारी किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर के बेजा इस्तेमाल पर 13 नवंबर को सुनवाई होगी। व्यापम घोटाले में सीबीआई के आरोप पत्र में सीएम शिवराज को क्लीन चिट दी गई। व्यापम में सीएम शिवराज को क्लीन चिट पर कांग्रेस ने सीबीआई को केंद्र के दबाव में बताया। अमित शाह ने ऐलान किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो प्रेम कुमार धूमल हिमाचल के सीएम बनेंगे। मुंबई दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे के बीच आज मुलाकात हो सकती है। बिहार में शराब बेचने के आरोपी के साथ सेल्फी पर सीएम नीतीश कुमार ने सफाई दी।
कब क्या हो इसके बारे में कौन जानेगा? निर्वाचन पीठा तो बस भाई यहाँ तुरंत कार्रवाई कर दी जानकारी मिली। बिहार के गया में चंबल एक्सप्रेस से एक यात्री को 20 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया। बिहार के औरंगाबाद में ट्रक और जीप की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। बिहार के शाहबाद में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 65 लोगों को पकड़ा। जोधपुर में ब्लू व्हेल गेम के चक्कर में खुदकुशी करने जा रहे पूर्व सैनिक को बचाया गया। दिल्ली में डॉक्टरों की मांग पर सहमति बनने के बाद आज होने वाली हड़ताल टल गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर राधे मां के साथ तस्वीर खिंचाते नजर आए। पुलिस कमिश्नर रह चुकी 1983 बैच की आईपीएस अधिकारी नीलमणि एन राजू कर्नाटक की पहली महिला डीजीपी बनी। बिहार के दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों ने राहत राशि को लेकर हंगामा कर दिया। यूपी के गोरखपुर में शिक्षकों की लापरवाही से कई घंटे छात्रा स्कूल में बंद रही। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगा किनारे लगने वाला कार्तिक मास मेला शुरू हो गया। यूपी के कानपुर में एक महिला पर अपनी शादीशुदा बेटी की हत्या का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मारपीट के बाद 12 छात्रों को बाहर निकाला गया। हरियाणा के यमुनानगर में प्रशासन ने शिक्षकों से कहा कि वो पुजारी की ट्रेनिंग भी लें। रेल मंत्रालय ने आज से कई ट्रेनों के समय और रफ्तार में बदलाव किया। स्टेट बैंक ने 10 महीने बाद ब्याज दरों में 0.5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की जो आज से लागू हो गई। चेन्नई और रामेश्वरम में भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में पानी भर गया।